वेल एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन में ये जो हमारी नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर. दैट मींस कि वो एनिमल्स जो जो एरियल हैं या फिर एयर में रहते हैं वो किस तरह उनका प्रोसेस है हियरिंग और इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि हियरिंग इज वन ऑफ द फाइव वाइटल ऑर्गन्स, ये जो ईयर्स हैं, और ये तमाम एनिमल्स जो हैं दे नीड दिस मैकेनिज्म. तो सो हियरिंग इज इम्पॉर्टेंट टू वर्टिब्रेट्स एज ए मैकेनिज्म टू बिकम अलर्ट अगेंस्ट नियर बाई और फॉर अवे डेंजरस दैट इज एक्टिविटी. जैसे जंगलों में बहुत दूर एक्टिविटी अगर हो रही है या शेर आ रहा है तो जितने भी एनिमल्स होते हैं दे अलर्ट, दे बिकम अलर्ट क्योंकि उसकी उसकी आवाज़ से. और ये जो रिसिपियंट हैं वो उनकी एयर होंगे और उनका मैकेनिज्म होगा तो फिर ही वो अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं. इसी तरह फिर दे बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द लोकेशन ऑफ फूड कम्युनिकेटेड बाई अदर एनिमल्स लाइक क्रोज. जैसे आपने देखा होगा, दिस इज वुड बी इन योर ऑब्जर्वेशन, कि ये जो क्रोज हैं वो जब इन्हें कोई कोई भी चीज़ खाने को मिल जाती है तो वो अपने फेलोज क्रोज को कॉल करते हैं, और वो फेलो क्रोज जो हैं वो तभी वो उधर आएंगे अगर उनकी हियरिंग डिवाइस है. तो ये भी इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन द रिस्पॉन्ड द कॉल्स ऑफ फॉर्मेटिंग लाइक कैट्स एंड काउस. ये जो कैट्स हैं ये फीमेल कैट्स होती हैं जो 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 करती हैं आवाज़ निकालती हैं, और दैट इज इनफैक्ट दैट इज टू कॉल द काउंटर पार्ट फॉर द मेटिंग पर्पसेस. तो ये हियरिंग इस लिहाज से बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ इस ये इक्विलिब्रियम का भी इसका उतना ही रोल है ईयर का. ओके, तो हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम आर द सेंसेशंस दैट अकर टुगेदर इन द सेम वर्टिब्रेट ऑर्गन दैट इज ईयर, जिसका हमने एनाटॉमी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक्सटर्नल ईयर होता है, देन द मिडल ईयर, देन द इंटरनल ईयर. तो ये इंटरनल ईयर जो है दैट इज द मेन दैट इज द हियरिंग डिवाइस, क्योंकि बाकी एक्सटर्नल ईयर जो है वो तो वाइब्रेशंस को डायरेक्ट करने के लिए होता है. मिडल ईयर जो है वो उसकी साउंड वेव्स को कम्युनिकेट करता है टू द इंटरनल ईयर. और इस तरह तीनों पार्ट्स जो हैं ईयर के वो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ हियरिंग. नाउ फॉर हियरिंग इट इज the auditory organ and the equilibrium and the posture or ye that is under the control of a vestibular apparatus. to ye iske main or as the ear ko hum divide kar sakte hain do hisson mein, auditory or vestibular apparatus. now the main part of auditory apparatus which is involved with the hearing is the concus. to ye एनाटॉमी में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मिडल ईयर के अंदर देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एज कॉन्कस, जिसे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी. नाउ द पार्ट ऑफ द ईयर व्हिच इज इन्वॉल्व्ड विद द इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है ये बी दैट इज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ ईयर. यानी कि अगर ये दिस पार्ट ऑफ ईयर जिसका ताल्लुक जो है वो ऐसा इक्विलिब्रियम के साथ है, इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो इंसान अपराइट या एनिमल कोई भी जो कि फोर फुटेड भी है अगर एनिमल है वो अपने आप को बैलेंस में नहीं रख सकता, वो यूं समझे गिर जाएगा. और बाज़ औकात ड्यू टू सडन अनरोन रीजंस ये इंसान के अंदर भी ह्यूमन के अंदर भी और ये जो इक्विलिब्रियम का जो मसला है वो डिवेलप हो जाता है. और इसमें कोई ना कोई जिसे हम फिर वर्टिगो कहते हैं, और ये जैसे दूसरे लफ्ज़ों में हम आसान लफ्ज़ों में जैसे कहते हैं इंसान को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं. तो ये चक्कर आने जो होते हैं ये दरअसल ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ सेमी सर्कुलर कैनॉल्स, और इसके अंदर फिर पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है. अगर हम फ्रंट पे झुके हुए हैं तो तब वो पार्टिकल्स उनकी पोजीशन कोई और होती है, व्हेन वी आर अपराइट उसकी पोजीशन कोई और होती है. तो इस तरह बसा औकात ये जो पार्टिकल्स हैं
वो सही तौर पे मूव नहीं करते क्योंकि वो भी लिक्विड के अंदर होते हैं और जिसकी वजह से वो इंसान वो इक्विलिब्रियम खो देता है। एक और बात इसी से रिलेटेड वो ये है कि डॉग फाइट में जब दोनों मुख्तलिफ जो फौजी लोग हैं जब डॉग फाइट करते हैं तो वो एक दूसरे के कानों के ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं और इससे क्या होता है कि वो जो जो पुलिस वो जो फौजी होता है वो गिर पड़ता है। तो ये इस लिहाज से कानों का काम हियरिंग डिवाइस इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एन एनिमल। दिस इज द एनाटॉमी हम पहले वी जस्ट गो थ्रू इट कि ये जो है दिस एक्सटर्नल ईयर ये दिस पार्ट ऑफ इट दिस इज द मिडल ईयर एंड ये हिस्सा जो है ये इंटरनल ईयर का है जिसके अंदर ये कौन का है जिसका ताल्लुक ज़्यादातर हियरिंग के साथ है और यहाँ से ये ईयर ड्रम है तो साउंड वेव्स जो हैं दे स्ट्राइक और वो फिर इन तीन बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी बोन्स के साथ पास से होते हुए ये जो इमेजेस हैं ये वाइब्रेशंस हैं दे मूव अप टू द कॉन्का और जिससे हम फिर चीज़ को सुनते हैं। ये अगेन दिस इज अगेन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना और यहाँ से फिर नर्व्स होती हैं नर्व एंडिंग्स हैं ये नर्व्स जो हैं देन दे मूव टू द ब्रेन विच इज द हियरिंग सेंटर और ये एक प्रोसेस है और ये जाहिर है कि ये नर्व इम्पल्सिस ही हैं जो दरअसल मूव करती हैं यहाँ से साउंड वेव्स हैं देन दे आर कन्वर्टेड इन टू द नर्व इम्पल्सिस और देन दे मूव टू द ब्रेन और हियरिंग सेंटर एंड देन वी आर एबल टू हियर। और दिस ये जो है ये चीज़ इसका तल्लक जो है सेमी सर्कुलर कैनॉल्स है जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये दे आर नॉट कम्प्लीट दैट इज द क्यूब्स बल्कि दे आर इनकम्प्लीट जैसे टी शेप्ड है और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इसकी एंड्स जो हैं दे आर स्वोलन दे एक्चुअली कंटेन दिस द डिवाइस फॉर इक्विलिब्रियम और इसी तरह दिस ये भी वही चीज़ ही है और सेमी सर्कुलर कैनॉल्स हैं दरअसल जिसका तल्लुक इक्विलिब्रियम के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हियरिंग एंड देन इक्विलिब्रियम इन एयर।